मैं एक टैको बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे आटा लेना होगा, इस तरह से, फिर एक सेब। मैं एक बाइट लेने से अपने आप को रोक नहीं पाई। अब मुझे दो अंडे तोड़ने की जरूरत है, सुगंधित स्ट्रॉबेरी और स्प्रिंकल्स डाले, इसमें झींगा भी डाले और इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डाले, दूध और कोका कोला डाले। ब्रोकली, हाँ यह इसकी जरूरत थी। ओ, क्या मैं कुछ भी पका नहीं सकती? उफ, क्या हुआ, क्या बात है? उफ, मैं सच्ची में खाना बनाना चाहती हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं पका सकती। एक मिनट रुको, मुझे पता है क्या करना है। मैं कलिनरी चुनौती की घोषणा करती हूँ। हम कहाँ हैं? क्या हो रहा है? आप मल्टीडो चैनल पर हैं? तैयार हो जाइए, ये मजेदार और स्वादिष्ट होगा। तुम क्या खाना बनाना चाहती हो बेटी? मुझे चिकन चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी बना सकते हैं। वैसे इसे बनाते कैसे हैं? ये चिकन, मुझे चिकन के लिए अच्छी रेसिपी पता है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं थोड़ी सब्जियां काट लेती हूँ। इस डिश का रहस्य यह है कि आप जितनी ज्यादा सब्जियां डालेंगे उतना ही स्वादिष्ट होगा। सब कुछ अच्छी तरह से धोने की जरूरत है। इसे बड़े टुकड़ों में काट ले, आखिरकार बड़ा टुकड़ा से मुंह खुश हो जाता है। बस अच्छे से थोड़ा आलू भी काट लेती हूँ और फिर स्टफिंग के लिए आगे बढ़े। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं सभी सब्जियों को चिकन में डाल दूंगी और वे इसके अंदर बेक हो जाएंगे। सब्जियाँ ना डाले तब भी चलेगा। मैं बेकिंग डिश में आलू और गाजर भी डालूंगी, उन्हें मीट से अलग पकने दे। ओह, कितना अच्छा है। अब मैं सब कुछ अच्छी तरह से गर्म ओवन में रखूंगी और चिकन से तैयार होने का इंतजार करूंगी। मुझे यह चिकन पसंद नहीं है, लेकिन KFC चिकन की बात ही अलग है। मैं इसे विशेष रूप से मसालेदार बनाऊंगा, चीटोस और टबैस्को सॉस के साथ। ओह, यह बोतल छोटा है, बहुत जल्दी खत्म हो गया। और अब मैं मिक्सचर में चिकन लेग रोल करने जा रहा हूँ। मुख्य बात पैक को अच्छी तरह से हिलाना है ताकि चीटोस सभी तरफ से चिपक जाए। बस हो गया। फिर आप चिकन को पार्चमेंट से ढकी बेकिंग शीट पर रख सकते हैं ताकि ओवन में बेक किया जा सके। ओह, क्या हो रहा है? खाना पकाने से पहले चिकन को अच्छी तरह से पीटा जाना चाहिए अपनी सारी शक्ति के साथ, और फिर यह रसदार और नरम निकलेगा। अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं पैन में तेल डालूंगी और चिकन को दोनों तरफ से फ्राई करूंगी। ओह, मैं बहुत स्वादिष्ट चिकन बनाऊंगी। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बनाता है। ओह, क्या खुशबू है! बस मेरे सुंदर चिकन का देखो, यह तैयार है। अब ऊपर से थोड़ा तेल लगा देती हूँ, बस इस तरह से। आह, इतनी अच्छी खुशबू है। आह, ऐसे छूने की कोशिश मत करो, ये मेरी पोती पे इसके लिए है। बेहतर होगा तुम अपने चिकन को देखो। मैं यही करूँगा। ये पैरों को ओवन में रखने का समय है। ओह, ये कितने सुंदर है। अरे नहीं, आह, बेन ने दुनिया की सबसे तीखी टबैस्को सॉस को बहुत ज्यादा डाल दिया है। ओह नहीं, ओह ओह, मेरे चिकन पक गए हैं और अब उन्हें परोसा जा सकता है। मैं उन्हें KFC बकेट में डालूंगा ताकि वो बहुत अच्छे दिखे। तैयार। और मेरे पास सब कुछ तैयार है। डिश की सुंदर सर्विंग के लिए केवल कुछ चीजें मिसिंग है। हाँ, अब चिकन बहुत सुंदर दिख रहा है। बॉन एपिटीट। हाँ, यह चखने का समय है। कितने अलग डिशेस निकले, और मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है मैं इस चिकन फिले को खाऊंगी। क्या मुझे इसे सॉस के साथ खाने की जरूरत है? अच्छी खुशबू आ रही है। क्या कह सकते हैं, मुझे यह पसंद है और अब मैं खाऊंगी। चलो इसे खाकर देखती हूँ। वाह, यह KFC चिकन की तरह दिख रहा है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा तीखा है। मैं क्या करूँ, ये भयानक है। हमें इस स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए। ओह, एक और चिकन। इसने मदद की। बहुत जूसी है। हाँ, ये सबसे अच्छा चिकन है। मैंने इस दौर की विजेता को चुना है। हाँ, दादी जीत गई। मुझे पता था मेरी पोती मेरे डिश को दूसरों से ज्यादा पसंद करेगी। मुझे आइसक्रीम चाहिए और इसमें अलग स्वाद है। क्या तुम ये कर सकते हो? क्या आइसक्रीम? और इसे कैसे पकाते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इंटरनेट पर देखूंगा और मैं अपने कुकबुक में रेसिपी को देखूंगी। आइसक्रीम को क्रीम से बनाया जाता है।
और अलग अलग स्वादों को पाने के लिए क्रीम को अलग अलग कटोरे में डालना होगा। पहली बाउल स्ट्रॉबेरी की तरह स्वाद देगी। मैं क्रीम में बेरी जोड़ूंगी और एक ब्लेंडर के साथ सब कुछ मिलाऊंगी। ब्लेंडर स्ट्रॉबेरी को पीस देगी, क्रीम को एक मोटी फोम में विस्क करेगी और क्रीम खुद एक सुंदर रंग का बन जाएगा। यह बाउल हरी होगी। मैं इसे कीवी के साथ बना दूंगी। तकनीक समान है और हमें आइसक्रीम के लिए खारा बेस मिलता है। और अब मैं बाउल को नीला करने के लिए ब्लूबेरी जोड़ूंगी। ओह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि मेरे पास यह रेसिपी नहीं है, लेकिन दादी सब कुछ जानती है। सोचो दादी सोचो। मुझे पता है, मैं इसे बर्फ की ट्रे से बना सकती हूँ। मैं सभी में एक बेरी डालूंगी और फिर मैं दूध डालूंगी। ये बेरीज को कवर करना चाहिए। मैं सारे सेक्टर में एक पॉपसिकल स्टिक डालूंगी तो आइसक्रीम को मोल्ड से बाहर निकालना सुविधाजनक होगा। हाँ ये ठीक रहेगा। बस और अब फिर इसे खाना है। अब आइसक्रीम को बहुत देर तक फ्रीजर में रखना बाकी है, या यह कह सकते जब तक दूध जम नहीं जाता। हमें इंतजार करना होगा, लेकिन ये इसके लायक है। ओह मुझे ये आखिरकार मिल गया। टिकटॉक से एक सुविधाजनक और आसान नुस्खा मिला है। मेरे पास आइसक्रीम बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह है। और वैसे मुझे पता है इस रेसिपी की तुलना में इसे और भी स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। मैं एक बैग में M&M's कैंडी और दूध डालूंगा और मैं अभी इसे कसकर बंद कर दूंगा। मैं एक और बैग लूंगा और इसमें बर्फ के टुकड़े मिलाऊंगा। मैं तैयार आइसक्रीम मिश्रण को अंदर रखूंगा और ऊपर और क्यूब्स डालूंगा। और अब मुझे पैकेज को बंद करना होगा और इसे अच्छी तरह से हिलाना होगा। ये म्यूजिक की तरह भी लगता है। ये आवाज क्या है? मैं टिकटॉक की एक रेसिपी देख रहा था दादी, मेरे साथ आओ। ओह कितना मजेदार। ओह उन्हें क्या हुआ है? ठीक है उन्हें मजे करने दो। मेरे पास जीतने का एक बेहतर मौका है। अब मुझे ड्राई आइस का एक टुकड़ा पीसने की जरूरत है। वो बहुत गुस्से में है। ये मस्त है। क्या हो रहा है? यहाँ इतनी ठंड क्यों हो गई? यह सब उसके महंगे डिश की वजह से है। जैसा कि आपने सही ढंग से नोट किया है बेन, मैं केवल महंगे डिशेस बनाती हूँ और मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सारे कटोरे में बर्फ का एक टुकड़ा जोड़ा जाना चाहिए। क्रीम पकड़ लेगा और एक मोटी क्रीम निकल जाएगी, जिससे मैं आइसक्रीम बॉल्स का निर्माण करूंगी। ध्यान दे, मेरी आइसक्रीम बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी पेज ने इसे ड्रॉ किया था। क्या यह प्रोफेशनल होने की निशानी नहीं है? और अब परोसने से पहले स्ट्रॉबेरी, बहुरंगी स्प्रिकल्स और चॉकलेट सॉस के साथ बॉल्स को सजाना बाकी है। तैयार। और दादी भी सब तैयार कर ली है। हाँ एक महंगा डिश नहीं है, लेकिन बस इन प्यारे मीठे चीजों को देखो कितना अच्छा निकला। मुझे जानना है कि यह काम किया। हाँ हुर्रे ये काम किया। वाह अब तुम इसे खा सकती हो। जरा देखो इसे। वाह कितना सुंदर। ए यह क्या है? ऐसा लगता है मुझे इसे सीधे बैग से खाना होगा। खैर चलो कोशिश करते हैं। यह कुछ खास नहीं दिख रहा है, पर यह काफी अच्छा निकला। क्या अजीब आइसक्रीम है, मैंने इसे पहली बार देखा है। यह स्ट्रॉबेरी के साथ सिर्फ बर्फ है और मीठा बिल्कुल नहीं है। ओह मैं आखिरकार तुम्हारे पास आ गई। शानदार सुंदर आइसक्रीम। सबसे स्वादिष्ट सुंदर रंगीन, जैसा मैंने सपना देखा था। सावधान पेज, यदि तुम एक बार में बहुत आइसक्रीम खाओगे तो तुम फ्रिज हो सकती हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी। सबसे सबसे स्वादिष्ट। क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा है? मेरी आइसक्रीम सबसे स्वादिष्ट है, जीत मेरी है। तो हीरोज एक नए टास्क का इंतजार कर रहे हैं और इस बार पेज खाना चाहती है। मैं मैक और चीज चाहती हूँ और ज्यादा चीज के साथ, मुझे ये बहुत पसंद है। कोई बात नहीं पेज, मैं इसे वैसे ही करूँगी जैसा तुम चाहती हो। लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट में मैक और चीज नहीं परोसा जाता है। हम पास्ता परोस रहे हैं और मैं इसे इतालवी पास्ता से पकाऊंगी। मैंने देते पास्ता पकाने के लिए समय रखा है, बस इस तरह से। थोड़ा और समय बचा है। ओह जरा तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो। तुम क्या कर रही हो? पास्ता को टुकड़ों में नहीं तोड़ना चाहिए। और आपको और कैसा लगता है कि इसे पकाया जाना चाहिए? वो बर्तन में नहीं फिट होता है। ओह मैंने यह कर लिया। ओह मैं इसे समय देना लगभग भूल गई। यह मुख्य बात अलार्म को मिस नहीं करना है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं खाना बनाना ही नहीं जानता। यह अच्छा है कि पैक पर रेसिपी को लिखते हैं। तो यह यहाँ एक सॉस पैन लेने के लिए कहता है। इसे पैक से निकाले और यह तैयार हो जाएगा। सब कुछ स्पष्ट लगता है। यहाँ एक सॉस पैन है, मुझे इसमें पास्ता डालना होगा। वाह एक पैक में बहुत सारा है।
यहाँ मैंने इसे डाला। ओह, यह गलती से हुआ। और अब इसे मिलाने की जरूरत है ताकि पास्ता एक साथ चिपक न जाए। तैयार। पानी निकाल ले और पास्ता को एक प्लेट पर रखना बाकी है। मैं पानी को हटाने के लिए उन्हें हिला दूंगी। वो आवाज क्या है? ओह, पास्ता बन गया है। ठीक है, दादी अपनी बुनाई नीचे रखती है और आगे बढ़ती है। ओह, तुम क्या करती हो बेटी? एक पास्ता डिश? हाँ, दादी को उसके लिए चीज के एक अच्छे टुकड़े की आवश्यकता होगी। मेरी पोती ने मुझे और चीज जोड़ने के लिए कहा है, इसलिए मैं इसे और डालूंगी। पेज और मुझे चीटोस के साथ मैक और चीज बहुत पसंद है। यह हमारी पसंदीदा रेसिपी है। उसके लिए मैं चीटो को तोड़ूंगा और इसे सीधे तैयार पास्ता में डालूंगा और फिर मैं सब कुछ ठीक से मिला दूंगा। अरे दादी, क्या आप चीज को ग्रेट करते समय सो गई थी? ओ, मुझे लगता है कि मैं सच्ची में सो गई थी। खैर कोई बात नहीं, पेज ने मुझे ज्यादा चीज जोड़ने के लिए कहा था। हाँ, मुझे लगता है वो इसे पसंद करेगी। मोल्ड के साथ फ्रेंच ब्लू चीज। वो बदबू क्या है? भयानक गंध। तुम कुछ नहीं समझते, ये बढ़िया डेलिकेसी है जिसे अमीर सोसाइटी में खाया जाता है। यह पास्ता के स्वाद को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा। और न केवल स्वाद बल्कि उन्हें एक विशेष रंग भी देगा। और डिश को इटली के चेरी टमाटर के समुद्रों से लाए गए ताजा श्रिम्प के साथ सजाया जाएगा। यही असली इटालवी पास्ता है। कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण मैक्रोनी और चीज की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है, खासकर जब चीज की वजह से मैक्रोनी खुद दिखाई नहीं देती है। अच्छा है ना? तो मैंने चीटोस के साथ मैक और चीज बनाया। अब हमें पता चलेगा कि पेज को क्या पसंद आएगा। वाह, क्या अलग अलग डिश बने हैं, लेकिन मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मुझे पता है। क्या हुई ना बात? क्या दादी, मुझे लगता है तुमने मेरी प्लेट में कुछ छोड़ दिया है। ओह, यह क्या है? ओह दादी। ये पास्ता कितनी अजीब गंध करता है। मुझे जानना है वे किसके साथ बने हैं और वे हरे क्यों हैं? ठीक है, मैंने अभी तक कोशिश नहीं की है। मैं थोड़ा खा कर देखूंगी। कितना खराब है। छी, तुमने मुझे जहर देने का फैसला किया? ये सबसे बेस्वाद पास्ता है जिसे मैंने कभी चखा हो। मुझे उम्मीद है कि इतने भयानक नहीं होंगे, हालांकि यह देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, मैं खाती हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट। वे चीटो के स्वाद की तरह है, मुझे सच्ची में पसंद है। मैं इस पास्ता को विजेता के रूप में चुनती हूँ। हुर्रे, हाँ पेज, मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। मैं जीता। हुर्रे। क्या आपको वीडियो पसंद आया? फिर जल्दी सब्सक्राइब करें। मल्टीडू चैनल पर और भी असामान्य चुनौतियाँ, मजेदार कहानियाँ और फनी कैरेक्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी मिलते हैं।